अच्छा, इसका अपोजिट हो सकता है क्या? इसी का अपोजिट, यहां तो क्या था कि हमने क्या कहा कि पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है तो रेशियो सेम होगा। अगर आपको रेशियो गिवन हो तो क्या हम कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होंगी, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है और ये लाइन जो है ये कट कर रही है, इस लाइन को नाम दे दो डीई दे दो, ठीक है, डीई लाइन है, और ये रेशियो आपको मिल रहा है एडी अपॉन डीबी इक्वस टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इक्वस टू एई अपॉन ईसी, ये रेशियो आपको मिल रहा है। तो इस रेशियो के बेस पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीई लाइन इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो अगर आपको ये रेशियो गिवन है तो क्या मैं ये कह सकता हूं डीई इज पैरेलल टू बीसी? तो बिल्कुल कह सकता हूं, और उसका प्रूफ मैं देता हूं। पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि DE पैरेलल टू BC नहीं है, ठीक है, तो कोई एक और लाइन है DE डैश जो कि पैरेलल टू BC है, ठीक है। तो सपोज DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि AD अपॉन DB इक्वस टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना। अच्छा, ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, AD अपॉन DB इक्वस टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो AD अपॉन DB यहां भी है, AD अपॉन DB यहां भी है, इसका मतलब ए ई अपॉन ई सी इक्वस टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल होगा, है या ना, ठीक है। अब दोनों साइड में प्लस वन कर देता हूं, देखो, तो ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वस टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन, कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इक्वस टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, ठीक है जी। तो ए सी आ गया, अपॉन में क्या है ई सी इक्वस टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी क्या होगा ए सी, वही तो साइड है, तो ए सी अपॉन ई डैश सी। न्यूमरेटर सेम है, रेशो तो ये प्रोपोर्शन में है ही, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, फिर सेम होना चाहिए, यानी कि ई सी इक्वस टू ई डैश सी होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब पॉइंट ई इक्वस टू ई डैश होगा, जब पॉइंट ई इक्वस टू ई डैश होगा, यानी कि ई डैश और ई सेम ही पॉइंट है, इसका मतलब, और डी ई डैश हमने क्या मानी थी, पैरेलल मानी थी, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो अगर रेशियो आपको गिवन है और वो इक्वल है तो साइड्स भी ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी डेफिनेटली, ठीक है। आती बात समझ में, पक्का, कोई डाउट नहीं, ठीक है जी।